नोकिया के सीईओ पेगा लुंडमार्क से पीएम मोदी ने की मुलाकात। डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत की प्रगति पर हुई चर्चा। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को लेकर असम सीएम शर्मा का बयान, बोले मुकरोह गांव असम का हिस्सा। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आपका हस्ताक्षर अभियान, मंत्री गोपाल राय बोले सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई का उठाया मुद्दा। आप विधायक अतीशी ने उपराज्यपाल पर कसा तंज, बोले पीएम ने उपराज्यपाल से सब्सिडी बंद करवाई। भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। हरदोई के मल्लावा में बुनकरों के बीच प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुत्री अनर पटेल पहुंची, जहां उन्होंने कारखाने में लूम से तैयार हो रहे कपड़ों की डिजाइन और क्वालिटी देखी। इस दौरान उन्होंने बुनकरों की आर्थिक हालत सुधारने को लेकर बुनकरों को अच्छे दाम दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई बढ़िया डिजाइन बनती है तो उसे वह प्रमोट करेंगी, जिससे उनके डिजाइन और माल का अच्छा दाम मिल सके। इस दौरान उन्होंने बुनकरों के माल को गुजरात तक पहुंचाने का पूरा भरोसा दिलाया। मुझे पहले तो मलाव में आके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे बुनकर इतने सालों से, इतने जनरेशन से काम करते हैं, तो वो जानने का मुझे बहुत वो था कि मैं जानूँ कि हिस्ट्री क्या है। बट शायद हिस्ट्री सबको नहीं पता है, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग वीविंग करते हैं। मेरी खुद की संस्था है, और संस्था जो है वो कारीगरों के साथ ही काम करती है, और मैं प्रयत्न करूंगी क्योंकि इनकी जो समस्या है, ऑब्वियसली जिला उद्योग केंद्र भी है, गवर्नमेंट भी है, अगर उनकी जो समस्या है वहां तक पहुंचाने का काम रहेगा, और मेरा जो काम है कि उनको डिज़ाइन देना, और भी उनकी अगर कोई ब्रांड बनती है लोकल ब्रांड मलावा की, तो मैं ट्राई वो करूंगी कि यहाँ के बुनकर ऊपर कैसे हैं, उनको दो पैसे ज़्यादा मिले उनकी लेबर में, क्योंकि अच्छी डिज़ाइन अगर हम करते हैं, अगर हम लोग यान में थोड़ा बदलाव करके ब्लेंड अगर अच्छा बनाते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक्सपोर्ट हो सकता है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ तक वो पहुँचे। अवैध निर्माण पर एलडीए का बुलडोजर चला है। वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी के आदेश पर जोन एक के प्रवर्तन दल ने गोसाईगंज क्षेत्र में दो स्थानों पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। इसके अलावा गोमती नगर में आवासीय भू उपयोग में कमर्शियल निर्माण करने वाले तीन भवनों को सील किया गया। प्रवर्तन जोन एक की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि राकेश सिंह द्वारा गोसाईगंज के ग्राम मलोली में अवैध प्लाटिंग की जा रही है। यहां 10 बीघा क्षेत्रफल में ये प्लाटिंग हो रही थी, इसको पहले भी ध्वस्त किया गया है। उसके बाद मामला एलडीए के विहित न्यायालय में चल रहा था। प्रवर्तन जोन एक की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि गोमती नगर में तीन भवन सील किए गए। इसमें पहला विवेक खंड में भूखंड संख्या 2/245 को सील किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या है पूरा मामला? ने अब एक बना लिया है अपना कि जहाँ जहाँ पर भी अवैध प्लाटिंग हो रही है या अवैध बिल्डिंगे हैं, उनको चिन्हित करके उनको ढहाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में कल भी इस तरह का इन लोगों ने रूपरेखा बनाई और पूरी तरीके से पूरा ये लागू कराया गया, और अवैध प्लाटिंग को सील करने की भी कार्रवाई की गई। गोसाईगंज में अवैध प्लाटिंग पर ये बुलडोजर चलाया गया है, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चलाया है। गोमती नगर में भी आवासीय भू उपयोग में अनाधिकृत रूप से किए गए व्यवसाय के निर्माण थे, उनके खिलाफ भी सील की कार्रवाई की गई है। लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी, उनके द्वारा जितने भी अवैध निर्माण और प्लाटिंग हो रहे हैं उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, प्रवर्तन जोन एक की टीम ने सोमवार को गोसाईगंज क्षेत्र में दो स्थानों पर जो अवैध प्लाटिंग जहाँ पर चल रही थी उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इसके अलावा ये गोमती नगर में जो आवासीय भू उपयोग में अनाधिकृत रूप से जो व्यवसायिक निर्माण किए जा रहे थे, उनके तीन भवनों को सील किया गया है।
प्रवर्तन जोन की जो जोनल अधिकारी प्रिया सिंह है उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो गोसाईगंज के ग्राम मनौली में ये 10 बीघा के क्षेत्रफल का ये पूरा जमीन था जहाँ पर अवैध प्लाटिंग हो रहा था। किसी प्रकार का कोई नक्शा पास नहीं था जिसको लेकर के न्यायालय में वाद भी था, जिसके बाद पूरी तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अभी भी लखनऊ के पूरे पूरे शहर में अगर देखा जाए तो जगह जगह अवैध प्लाटिंग हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर हैं वो जा करके लुभावने वादे में फंस जाते हैं और उनका पैसा फंस जाता है, ना तो उन्हें कब्जा मिल पाता है ना ही जमीन मिल पाती है, वो दर बदर की ठोकरें खाते रहते हैं। जिसके लिए रेरा का भी गठन किया गया है, लेकिन रेरा भी अपनी जगह धूल फांक रहा है फिलहाल। जिस तरीके से अवैध निर्माण को रोकने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के एलडीए के जो वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने पूरी तरीके से अपने अधिकारियों को निर्देशित भी कर रखा है और जांच पड़ताल करके जगहों को चिन्हित भी किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अवैध निर्माण के लिए करीब 59 एलडीए के अफसर जो है अभियंताओं को जिम्मेदार भी ठहराया गया है कि उनके समय में कैसे उस जगह पे अवैध प्लाटिंग हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद रितेश। खबर हरदोई से है जहां भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह भवानी को पुलिस ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया है। बता दें कि शैलेंद्र सिंह भवानी 2012 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़कर चर्चा में आए थे। वे हत्या समेत कई मामलों में वंचित चल रहे थे। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। पुलिस ने नेता को घेराबंदी कर आवास विकास कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। वहीं जेल जाने से पहले शैलेंद्र सिंह भवानी ने सपा से भाजपा में आए एक नेता पर हत्या कराए जाने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि जितने भी मुकदमे उन पर दर्ज कराए गए हैं वे सब रंजिशन और फर्जी हैं। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट के NBW पर गिरफ्तारी की बात कही है और जेल भेज दिया है। राजनीतिक मामले में झूठा पकाया गया। गुड्डू सारा मामले में 97 उसी में मंत्री के द्वारा हमारी गिरफ्तारी कराई गई। भाजपा के सपा से आए एक मंत्री भाजपा में, उन्होंने हमारी गिरफ्तारी कराई। उत्तर प्रदेश के अपराधियों में एनकाउंटर को लेकर इतना डर बैठ गया है कि एक अपराधी ने बीच सड़क पर पुलिस के आगे जमकर बवाल काटा। वह पुलिस के साथ जाने के लिए राजी ही नहीं था, यहां तक कि उसने पुलिस से कहा कि वह पहले उसे लिख कर दे कि रास्ते में उसे गोली नहीं मारेंगे। उसने कहा कि सीएम योगी ने ना जाने पुलिस को कौन सी बूटी सुंघा दी है जो वो पैर पर ही गोली मारती है। दरअसल हरदोई जिला जेल में बंद एक कैदी ने सोमवार को ट्रॉमा सेंटर पर जमकर हंगामा किया। रिजवान नाम के कैदी को डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था, लेकिन उसने डायलिसिस कराने से ही इनकार कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उसको एम्बुलेंस में बिठाया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए ले जाया गया। बस्ती जिले के IPS आशीष श्रीवास्तव ने स्थानांतरण के बाद बस्ती जनपद के नवागत पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही थाना सोनाहा और वाल्टारगंज का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अपराध रजिस्टर, निरोधात्मक कार्रवाई रजिस्टर, हिस्ट्री शीटर रजिस्टर और अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। साथ ही हाल ही में हुए घटनाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। अलीगढ़ के थाना बड़ला इलाके के एक गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली कहासुनी के चलते पति ने पत्नी को धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद ये खबर जंगल में लगी आग की तरह गांव में फैल गई और ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि थाना बड़ला इलाके के गांव गाजीपुर का पूरा मामला है। आज दिनांक 13/3/23 को थाना बरला से सूचना प्राप्त हुई कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर यह पता चला कि दोनों के बीच पहले से ही पारिवारिक विवाद रहता था। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। मौके से आला कत्ल बरामद किया गया है। पति की अरेस्टिंग हो गई है। तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना प्रस्तुत है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।